हेलो माय व्यूअर्स, तो आज हम सीखेंगे इस पॉम्पम ईयरिंग्स को कैसे बनाते हैं। इसके लिए जो भी मटेरियल्स की ज़रूरत है वो सब मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। पहले मैंने एक इंडिगो फैब्रिक क्लॉथ लिया है और उसे कुछ इस तरह से काट लिया है। अब इस क्लॉथ के पूरे एक साइड को फोल्ड करके मैं ग्लू कर रही हूँ। ग्लू करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी सूखने के लिए। अब मैंने एक बैंगल बेस लिया है जो कि 2x2 साइज का है और उसको मैं इस क्लॉथ की मदद से पूरा रैप करने वाली हूँ। मैंने क्लॉथ के एक साइड को पहले फोल्ड करके ग्लू कर दिया, इसलिए क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छा होता है। रैप करने के बाद क्लॉथ के साइड से धागे नहीं निकलते हैं। क्लॉथ के जिस साइड को मैंने फोल्ड किया था उसी साइड को लेफ्ट साइड में रख के रैप करूँगी बैंगल को। लास्ट में राइट साइड को भी फोल्ड करके रैप कर दूंगी। अब 3 ब्लू और 1 पिंक कलर के पॉम्पॉम लिया है मैंने। अब एक आई पिन लिया है और उसके लूप में 2 जंप रिंग के मदद से 2 घुंघरू अटैच करूंगी और जंप रिंग को क्लोज करूंगी प्लस की मदद से प्रेस करके। अब एक ब्लू पॉम्पॉम को आई पिन में इंसर्ट कर रही हूँ। फिर मेटल कटर के हेल्प से आई पिन को थोड़ा छोटा कर रही हूँ। फिर प्लायर के हेल्प से एक लूप बना लूंगी। अब एक सुई की मदद से होल कर रही हूँ उस क्लॉथ में ताकि आसानी से जंप रिंग को उसमें अटैच कर पाऊँ। जंप रिंग को अटैच करने के बाद प्लायर से किया हुआ लूप को जंप रिंग में डाल के जंप रिंग को क्लोज कर देना है प्लस की मदद से। सेम प्रोसेस की मदद से हमने बैंगल के नीचे भी 3 पॉम्पॉम अटैच कर लिया है। अब एक ईयरिंग हैंग करने के लिए जो हुक होता है उस हुक के नीचे जो लूप बना हुआ है उसे हम प्लायर के मदद से ओपन कर लेंगे और फिर से हम एक सुई की मदद से क्लॉथ में छोटा छेद करेंगे ताकि उस हुक को क्लॉथ में अटैच करने में आसानी हो। लास्ट में उस हुक के लूप को प्लस की मदद से हमने क्लोज कर लिया। सेम प्रोसेस में हमने दूसरा भी बना लिया। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये इयररिंग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।